जनेश्वर मिश्र पार्क का सामने का सीन है। यहाँ पे टिकट मिलता है, यहाँ पे टिकट जाके हम लेंगे। अभी हम पहुँचे हैं और ये एंट्रेंस है, यहाँ से हम अंदर जाके आपको दिखाते हैं। गेट से इंटर करते ही सबसे खूबसूरत नज़ारा यहाँ पे ये फाउंटेन दिखता है, जो मेन गेट था, यहाँ पे जो लिखा था अभी दिखाए थे हम ना। ऐसे यार यहाँ ठंडा ठंडा भी लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि पानी के छोटे छोटे छींटे आ रही हैं यहाँ पे। तो इस फाउंटेन के पास थोड़ी देर मज़ा लेते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं। यहाँ पर भाई विजयंता नाम का एक टैंकर है, तो एंटर जब किए थे तो दो टैंकर है, उस तरफ है और यहाँ पर है। इसे भी छूना मना लिखा है। अब ये कितने साल पुराना है, क्या है, मुझे पता नहीं है, पर ये दिखने में तो मुझे यार बहुत ही हैवी और बहुत ही मैसिव लग रहा है यार। सनसेट हो चुका है लगभग, सूरज डूब चुका है, लेकिन वो रेडिश कलर जो आ रहा है ना, वो बहुत अच्छा दिख रहा है। उसके साथ वाटर, ये पानी और ही अच्छा दिख रहा है। मेन गेट से ये व्यू है पार्क का, और इस पार्क को बनने में लगभग 168 करोड़ रुपए लगे हैं, और ये पार्क लगभग 1.5 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। यानी कि अगर 1.5 किलोमीटर लंबा, 1.5 किलोमीटर चौड़ा अगर ग्राउंड मारेंगे तो इतना बड़ा ये पार्क है। ये पार्क हमारे इंडिया का ही नहीं, पूरे एशिया का, एशिया कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा पार्क है, और इसमें बीच में लेक बना हुआ है। अगर पार्क टहलने के मूड में आ जाओगे तो पूरा दिन टहला करोगे, पार्क नहीं ख़त्म होगा। क्योंकि एक होता है ना कि चारों तरफ राउंड मार लेना सिर्फ, एक होता है कि हर तरफ जाके आना, तो ये एरिया बहुत बड़ा है, थक जाएगा आदमी अगर पूरा टहलने की कोशिश करेगा। सामने की तरफ मुझे ब्रिज दिख रहा है, मैं ब्रिज आपको दिखाऊंगा, और वहाँ पे लोग शायद देख रहे हैं, मछलियाँ ही देख रहे हैं, हम चल के चलो मछली देखते हैं। ये है ब्रिज, और ब्रिज के नीचे सिर्फ मछलियाँ ही मछलियाँ भाई, सब लैया डाल रहे हैं और लैया खा रही हैं। पिंक कलर की हैं, ऑरेंज कलर की हैं, वाइट कलर की हैं, ब्राउन कलर की हैं, बहुत ही वैरायटी की। अब इस तरफ डाला है इन्होंने लैया, एक बच्चे ने इधर डाला है लैया, शायद इस तरफ मछलियाँ। ओह, मेरे हिसाब से जिस टाइम पे मैं आया हूँ यहाँ पे टहलने के लिए, सबसे बेस्ट टाइम है। शाम हो चुकी है लेकिन सूरज नहीं है, और गर्मी का मौसम है ना, गर्म लग रहा है, क्योंकि दिन में आते तो बहुत ज़्यादा गर्म लगती भाई। सीन तो बहुत मस्त है यार, शाम को ही टहलने में, अगर आना कभी तो शाम को ही टहलने आना, चीज़ बहुत ही मज़ेदार है। देखो भाई रेस लगा रहा है वो बच्चा साइकिल के साथ में, वाओ मज़ा आ गया यार। तीन फाउंटेन चल रहे हैं यहाँ पे, और लोग यहाँ पे फ़ोटो खिंचा रहे हैं, मज़े ले रहे हैं। हम आपको थोड़ा जूम करके दिखा रहे हैं ये फाउंटेन कैसा दिखता है। ये हाइट में काफ़ी ऊँचा जा रहा है। इसके पास खड़े हो ना तो पानी गिरने का जो आवाज़ आता है ना, ये बहुत ही पावरफुल आवाज़ है। जो बारिश में आवाज़ आती है ना, उससे थोड़ा हटके है, मतलब सेम वैसा ही आवाज़ है, अच्छा लगता है। और पानी का स्मेल आ रहा है, जो होता है ना काई वाला स्मेल, तो हल्का हल्का स्मेल भी आ रहा है यहाँ पे। शायद ये फिल्टर वल्टर टैंक वैंक जो भी लगा हुआ है, जो भी है रिजर्व वाटर, वाटर कम होता होगा तो सप्लाई करने के लिए, जो भी है मुझे पता नहीं, मैं इसे अंदाज़ा ही बता रहा हूँ। पर यहाँ पे अच्छा लगा मुझे। एक बात तो बताना भूल ही गए थे, यहाँ पे इस पार्क में जब आएंगे तो टिकट लेंगे, वो 10 ही रुपये का टिकट है। 10 रुपये में आप यहाँ पे एंजॉय करिए, और यहाँ पे रात को 8 बजे तक ये खुला रहता है, 8 बजे तक आप यहाँ पे टहल घूम सकते हैं। ये स्टैचू है पंडित जनेश्वर मिश्र जी का, बहुत ही मैसिव और बहुत ही बड़ा, बहुत ही ऊँचा ये जो है स्टैचू है। अब हम यहाँ पे प्लेन के पास में आ गए हैं, और वो सामने जो दिख रहा है वहाँ से हम इंटर हुए थे, और फाउंटेन भी पीछे है, दूर है, और यहाँ पे बच्चे सब खेल रहे हैं, लोग टहल रहे हैं। ये ग्रीनरी वाला एरिया है जहाँ पे लोग बैठते हैं, टहलते हैं, घूमते हैं, और ये फाइटर प्लेन खड़ा है। लाइटिंग भी शाम को ऑन हो जाती है, लाइट वाइट सब जल गई हैं। देखो सब लोग बैठे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। वहाँ पर अभी हमने वीडियो बनाया था। आई थिंक पार्क के किसी भी एरिया से आप देखोगे तो ये स्टैचू आपको आराम से दिख जाएगा, क्योंकि इतना ऊंचा स्टैचू है ये। भाई हम आधे घंटे से टहल रहे हैं, शाम ज़्यादा हो चुकी है, पर वीडियो में आपको चाहे ना पता चले, क्योंकि ये कैमरा ऐसा है, वो मोबाइल ऐसा है कि वो थोड़ा उजाला बनाए रखे कि जैसा दिन जैसा लग रहा है। इस पार्क में हम जितना भी दिखाने की कोशिश करेंगे सब कम ही रहेगा, क्योंकि भैया 1.5 किलोमीटर में फैला है ये पार्क,
तो हम कितना भी दिखाएं पूरा नहीं दिखा सकते। आई थिंक आगे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे वो जो है स्केटिंग कर रहे हैं, अगर हम उसके पास पहुंचेंगे और वो स्केटिंग करते हुए मिलेंगे हमको तो हम उसका एक वीडियो ज़रूर बना के आपको दिखाएंगे। भाई इस पार्क में टहलते टहलते मुझे एक बात पता चली। बात क्या है, मुझे सुनाई दिया तो हम, जिसको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो हम बता रहे हैं। ये जो लगा हुआ है ना, इसमें से आवाज़ आ रही है, ये तो सॉन्ग म्यूज़िक चल रहा है। हम नज़दीक आए होंगे आपको आवाज़ आई होगी, हम थोड़ा दूर जाएंगे तो आवाज़ आना बंद हो जाएगी, शायद स्लो हो जाएगी। अब पास जा रहे हैं, देखना आवाज़ आएगी। छोटे छोटे स्पीकर लगे हैं, उसमें से साउंड आता रहता है। भाई पार्क पूरा टहल चुके हैं, आए थे तो बहुत उजाला था, अब अंधेरा हो चुका है, तो जितना हो सका मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमको कमेंट करके बता दीजिएगा, हमको पता चल जाएगा कि आपको कैसा लगा। कुछ कमियां या खामियां मेरे बोलने में जो भी हो उसको भी आप लिख सकते हैं कमेंट में कि आप यहाँ पर ऐसे गलती कर रहे हैं, वैसे तो हम उसको सुधारने की भी कोशिश करेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, तब तक के लिए बाय बाय।